صلي على वालों से और इस्लाम अपने पैरोकारों से ये मुतालबा करता है और ये जिम्मेदारी डालता है कि वह आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से जिंदगी गुजारे। इस्लाम भी अपने पैरोकारों में इत्तेफाक देखना चाहता है, मोहब्बत देखना चाहता है, इत्तेहाद देखना चाहता है। और अल्लाह का भी अहले ईमान के लिए यही हुक्म है कि इस उम्मत की, इस कायना, इस दुनिया की सलामती और इस दुनिया की का तहफ्फुज और इसमें अमन और सलामती तुम्हारे आपस के इत्तेफाक से वाबस्ता है। मुसलमानों की निजी जिंदगी हो, कौमी जिंदगी हो, या उम्मत की बुनियाद पर इसकी जिंदगी गुजर रही हो, उम्मत इस्लामिया हर जगह इस्लाम उससे मुतालबा करता है और उसका फरीजा गर्दानता है कि तुम आपस में इत्तेफाक से रहो। और उसकी बड़ी फजीलत बताई। एक सहाबी दमिश्क की जामे मस्जिद में सवेरे सवेरे दर्ज दे रहे, एक जगह एक मौके पे दर्ज दे रहे और इतने में एक साहब आए और उन्हें देखा कि उनका दर्स चल रहा है और वो खुश नसीब हैं कि लोगों के कुलूब उनकी तरफ मुतवज्जे हैं। दर्स सुन के चले गए, जहाँ के कल आऊँगा और आकर अपनी दिल की बात इनसे कहूँगा। सवेरे आए, तहज्जुद के वक्त आए ताकि उन्हें अकेला पाऊँ कि क्या हुआ इस मौके पे। अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी अल्लाह के दरबार में खड़े हैं और उनसे नाज़ो नियाज कर रहे हैं, अल्लाह करीम से खलबतों और तन्हाइयों में मुनाजात फरमा रहे हैं। जब वो फारिग हुए तो ये शख्स करीब हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो वो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के लिए मोहब्बत। तो आने वाले ने, मुसाफिर ने कहा, मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। दोबारा सहबारा, हर बार उसने यही कहा कि अल्लाह के लिए मोहब्बत। जब तीनों बार एक ही जवाब मिला तो वो सहाबी रसूल कहने लगे, फिर खुशखबरी लो, फिर खुशखबरी लो, अल्लाह ने कहा है और मुझे अल्लाह के रसूल ने बताया है, कुछ खुशखबरी लो कि अल्लाह ने कहा है और मुझे अल्लाह के रसूल ने बताया है कि वजबत मोहब्बती लिल्मुतहाब्बी नफिया वल्मुतजाविरी नफिया वल्मुतजालिसी नफिया वल्मुतबादिली नफिया। जो मेरी खातिर आपस में इकट्ठे हों और मेरे खातिर एक दूसरे पे खर्च करें और मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करें, इन्हें बता दो कि अल्लाह की तरफ से इनके लिए मोहब्बत वाजिब हो जाती है। वजबत मोहब्बती, जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और ज्यारत करते हैं और एक दूसरे पे खर्च करते हैं और इकट्ठे होते हैं और अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फिर इन्हें बता दो वजबत मोहब्बती, फिर इनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है, ये मेरे महबूब हो जाते हैं। तो इस्लाम अपने पैरोकारों में मोहब्बत के खुशबू में और मोहब्बत के गुलशन में देखना चाहता है। मोहब्बत घर की जिंदगी, माशरे की जिंदगी, कौम की जिंदगी
और यही हाल पूरी उम्मत मुस्लिमा उसके अंदर इत्तेफाक देखना चाहते हैं। जब मुसलमानों की तादाद पहली मर्दम शुमारी हुई तो तादाद 500 थी और दूसरी मर्दम शुमारी हुई तादाद 700 थी और जो तीसरी मर्दम शुमारी हुई तादाद 1500 थी, तो अल्लाह का खिताब इन मुसलमानों से यूं हुआ कि वल्लदीन कफरू बादहुम औलिया उबाद। देखो कुफार एक दूसरे के साथी हैं और मददगार हैं। इल्ला तफालु, अगर तुम एक दूसरे के मददगार न हुए। ये मुसलमानों की कुल कायनात थी और बैन अक्वामी स्टेज पे, बैन अक्वामी दुनिया में ये इक्तिसादी लिहाज से, अफरादी लिहाज से, इल्मी लिहाज से, समाजी लिहाज से कोई बड़ा वजन नहीं रखती थी। तादाद कितनी है? और इसके बिलमुकाबिल उस वक्त के दो सुपर ताकतें थी जिन्होंने सारी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा था, एक रूमी अंपायर था और दूसरा ईरानी हुकूमत थी। पूरी दुनिया पे ये हुक्मरानी कर रहे थे। ऐसे मौके पे अल्लाह ने अहले ईमान को खिताब किया और कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक इकाई बनाओ, एक वहदत बनाओ, एक इत्तेहाद करो और उसकी बुनियाद ईमान हो, उसकी बुनियाद अकीदा हो, उसकी बुनियाद अखलाक आलिया हो, उसकी बुनियाद आमाले सालिहा हो, उसका बुनियाद उसकी बुनियाद इंसानियत की हमदर्दी और खैरखाई हो। तुम एक इकाई बनाओ, तुम एक दूसरे के बहम मुआविन मददगार और आपस में इत्तेफाक ईमान की बुनियाद पर, वहदत ईमान की बुनियाद पर कायम करो। अगर तुमने इसमें कोताही की और तसाहुल किया और इसमें तुमने कमजोरी दिखाई तो याद रखना फिर दुनिया में बड़ा फितना होगा और दुनिया में बड़ा फसाद बरपा हो जाए, दुनिया में बड़ा फितना होगा। किसी की जान माल इज्जत आबरू आज दुनिया में महफूज नहीं, किसी के महफूज नहीं। मुसलमान आज इस कमजोरी की नतीजे में आज दुनिया अमन से महरूम, सलामती से महरूम, अमनो अमान से महरूम, इसलिए कि आज मुसलमान टुकड़ों में तकसीम है, सरहदों में तकसीम है, जुग्राफियों में तकसीम है, नफरतों का शिकार है। फरमाया काफिर तो एक दूसरे के बहम मददगार हैं, तुम क्यों नहीं होते? इल्ला तफर, अगर तुमने ऐसा न किया तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन कबीर, दुनिया में बड़ा फितना होगा और दुनिया में बड़ा फसाद होगा। इस्लाम तो अपने पैरोकारों से ये चाहता, लेकिन इस्लाम के मानने वाले आज कहां खड़े हैं? मिल्लत इस्लामिया के स्टेज पे देखिए तो नफरत और तकसीम, मुल्की लिहाज से देखें तो मुसलमान आपस में तकसीम, और माशरे के लिहाज से देखिए तो मुसलमान टुकड़ों में, और खानदान और घर के लिहाज से देखिए तो हर तरफ नफरतों के कांटे, तकसीम दर तकसीम है। और इस्लाम अपने पैरोकारों से क्या चाहता है? इत्तेहाद, वहदत इस्लामी, इस्लामी उखुवत, इस्लामी भाईचारा। मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे सिर्फ ईमान की बुनियाद पर, उसका ताल्लुक हो दुनिया के किसी भी खित्ते के मुसलमान से, बुनियाद इस्लाम। बताइए ना आज ये नजरिया कितना कमजोर हो गया है। मफादात ने और अगराज ने और मफाद परस्ती ने आज ईमान किस कदर कमजोर कर दिया कि ये रिश्ता ही खत्म हो गया। सदियां गुजर गई मुसलमानों में, इस रिश्ते की तारीख ही खत्म हो गई कि मुसलमान एक कौम थी। फरमाया कुफार तो आज भी ऐसा ही है,
आज भी ऐसी ही हैं कि बहम एक दूसरे के मददगार हैं। देखिए ना, हमें वो कहते हैं कि तुम जरा वसी और जर्फ बनो, और हमें धोखा दिया जाता है कि तुम जरा मजहब को एक तरफ रखो, मजहब को एक तरफ रखो और फिर दुनिया में आगे बढ़ो। और अमरीकी वजीर खारजा इसराइल में आके कहता है, मैं बतौर वजीर खारजा नहीं आया, मैं यहूदी बन के आया। हमें कहा जाता है मजहब को एक तरफ रखो, हमें कहा जाता है इस्लाम को थोड़ा एक तरफ रखो और दुनिया में चलना सीखो, हमें यह धोखा दिया जाता है। और वहां फ्रांस है, बर्तानिया है, इटली है, अमेरिका है, आज उस इसराइल के पुश्त पे खड़े हैं, और मुसलमान कहां खड़े, मुसलमान कहां खड़े। हमें गलत सबक पढ़ाया कि इस्लाम को एक तरफ रखे दुनिया में तरक्की करो, उन्हें पता है मुसलमान इस्लाम पे आ जाएगी आए तो इसमें तो वहदत ईमानी आ जाएगी, वहदत इस्लामी आ जाएगी, इसमें तो एका आ जाएगा, ये तो एक इकाई बन जाएगी, ये तो एक ताकत बन जाएगी, उन्हें पता है ये एक ताकत बन जाएगी। लेकिन जब इन्हें तकसीम कर दोगे, इनका रोब खत्म हो जाएगा, दबदबा खत्म हो जाएगा, इनकी अजमत खत्म हो जाएगी, इनकी ताकत खत्म हो जाएगी, और ये बाम दस्ते गरीबान हो, दुनिया एक तरफ। सलाम है उन फलस्तीन के मुसलमानों को, सुभान अल्लाह, आज दुनिया को बता दिया तुम गलत फहमी का शिकार हो, तुम ये समझ बैठे हो कि शायद ईमान कोई ताकत नहीं है। उन्होंने इस सदी के अंदर भी दुनिया को बता दिया कि ईमान आज भी बड़ी ताकत है, ईमान आज भी बड़ी कुव्वत है, बशर्ते के मुसलमानों में आ जाए। समझ रहे थे कि एक हफ्ते की बात है, एक महीने की बात है, चंद दिनों की बात है, लेकिन उस ईमान के सच्चे पैरोकारों ने दुश्मन को ऐसी चोट लगाई है कि वो सदियां इस सबक को याद रखे। ये तो बुजदिली की बात होती है, शहरों पे हमला आवर होना, अस्पतालों पे हमला आवर होना, बच्चों और औरतों पे हमला आवर होना, ये तो बुजदिलों का काम है मैदान में आने के लिए। अस्करी लिहाज से आज उसने कितने आदाफ किए, खुद कायल है कि हम अस्करी लिहाज से आदाफ नहीं हासिल कर सकते। तो मेरे अजीजों, मुसलमान आज भी अगर अपनी ईमानी ताकत के साथ खड़ा हो और अपने अंदर वहदत पैदा कर दे और अपने लिए तदबीर इख्तियार करे, तो मुसलमान आज भी बड़ी ताकत है, उसकी आज भी बड़ी कुव्वत है। दूसरी तरफ बदकिस्मती होती है हमारे यहां, कल दो दिन पहले पाकिस्तान पर ईरान ने हमला किया और अंदर घुस के आके हमला किया। बदकिस्मती से ईरान का किरदार इस्लामी दुनिया के लिए हमेशा से मशकूक रहा, हमेशा से मशकूक रहा, अलमिया है ये मिल्लत इस्लामिया के लिए। बदकिस्मती है, अगर आप देखेंगे ये कहता कुछ है, प्रोपेगेंडा कुछ करता है, लेकिन अमली किरदार इसका मुसलमानों के खिलाफ। अगर आप देखेंगे इराक की तबाही में दुश्मन के साथ मिलकर किसका किरदार, शाम की तबाही में किसका किरदार, लबनान की तबाही में किसका किरदार, यमन की तबाही में किसका किरदार है, और अब इंडिया से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जानबाजों ने पैगाम अच्छा दिया है कि ये इराक नहीं है, ये शाम नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये तुम्हारी जरखेज खेती और तुम्हारी चरागाह नहीं है, ये पाकिस्तान है, एक आजाद खित्ता है, सबक दिया है उसे। लेकिन अलमिया है कि कहां गजा के मुसलमान, आज दुनिया कुफर के सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, और मुसलमानों में एक यकजेती पैदा हो रही है,
लेकिन इसने फिर इंतिशार पैदा किया। मुसलमान एक जान हो रहे थे, पूरी इस्लामी दुनिया गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए यकजहती का मुजाहरा कर रही थी। इसने फिर शरारत की। मैं अर्ज कर रहा हूं, इराक अमरीका के से मिलकर तबाही की, शाम रूस के मिलकर साथ मिलकर तबाही की, अफगानिस्तान अमरीका के साथ मिलकर तबाही की, अब इंडिया के साथ गठजोड़ करके साजिश करना चाहते हैं। और ऐसे मौके पे जिस मौके पे मुसलमानों को एक वाहदत की जरूरत है और वहां के मुसलमानों की कुर्बानियां, गजा और फलस्तीन के मुसलमानों की शहादतें मुसलमानों में यकजहती पैदा कर रही थी, मुसलमानों के अंदर एक वाहदत पैदा कर रही थी, मुसलमानों को एक साथ खड़ा कर रही थी, बल्कि सिर्फ मुसलमान क्या बल्कि आलम कुफर के अंदर भी, जो सलीमुल फितरत जिनमें जरा भी इंसानियत थी, जरा भी इंसानियत, वो भी फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खड़े हो रहे, जिनमें जरा भी इंसानियत थी वो भी यहूद नसारा उनकी साजिशों और उनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ऐसे मौके पे तो जरूरत थी यकजहती की, इत्तेफाक की। ये आलमी साजिश है मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमानों में किसी तरीके से वे इनको आपस में दस देने, गरीबान को आपस में लड़ाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहसियत पाकिस्तान एक रियासत के अक्वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन के लिए बेहतरीन मौकफ पेश किया, बेहतरीन मौकफ किया। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान यही चाहता है कि इस जंग को न बढ़ाया जाए। ये वक्त जंग बढ़ाने का नहीं, ये जंग अपने पड़ोसियों से लड़ने का नहीं है। बड़ी सोच समझ के जवाब दिया गया। तो मेरे अजीजों, हमें भी शऊर आना चाहिए, हमें भी अपना अपने अपने माहौलों में किरदार अदा करना है कि देखें कौन है जो मुसलमानों के अंदर रखना डालना चाहता है, मुसलमानों में नफरत पैदा करना चाहता है, कौन है जो मुसलमान मुल्कों पर हमलावर है, कौन है जो मुसलमानों के मुल्कों में तबाही का जरिया है, और कौन ऐसा है जो खुले दुश्मन से लड़ता है, और कौन ऐसा है कि दुश्मन काफिर उसके मुकाबले पे खड़ा है। तो समझना चाहिए, कहना कुछ और होता है, अमलन कुछ और है। तो मेरे अजीजों, मुसलमानों की जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों के अंदर ईमानी वाहदत, अकीदे के लिहाज से इत्तेफाक, ईमान की बुनियाद पर वहदत इस्लामी और कुव्वत इस्लामी, ये जिंदा हो। और वो तमाम साजिशें जो मुसलमानों में फिरकावारियत की बुनियाद पर या निफाक की बुनियाद पर मुसलमानों में नफरतों का बीज बोल रहे और मुसलमानों मुल्कों के खिलाफ साजिशें हो रही, उसे हमें शऊर होना चाहिए, दोस्त दुश्मन को पहचानना चाहिए। ये हमारे दीन का तकाजा है, ये हमारे ईमान का हुक्म है। अल्लाह ताला इस्लाम के पैरोकारों से यही चाहता है कि मुसलमान एक ताकत बन के रहें, एक कुव्वत बन के रहें, और उनके अंदर इस्लामी उखुव्वत, इस्लामी भाईचारा आम हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान की हकीकत भी नसीब फरमाए और इस्लामी उखुव्वत और इस्लामी भाईचारे के समरात भी नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।